सकते हैं। नौजवान कहते हैं किस्मत में हुआ तो पास हो जाएंगे, तकदीर में नहीं था इसीलिए तो फेल हो गए। लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ किस्मत से नहीं कामयाबी मेहनत से मिलती है, क्योंकि फूल यूं ही खिला नहीं करते, बीज को दफ होना पड़ता है। कामयाबी इज्तमाई हो या इंफरादी, कामयाबी दुनियावी हो या उखरवी, उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मेहनत से है। इंसान ने चांद पर कदम रखने में कामयाब हुआ तो वजह किस्मत नहीं मेहनत थी। इंसान लखों मन लोहे को हवा में उड़ाने के काबिल हुआ, इसमें कामयाब हुआ तो वजह किस्मत नहीं मेहनत थी। इंसान ने इंसानी जिस्म के एजाज की पाबंदकारी करने में कामयाबी हासिल की, वजह किस्मत नहीं मेहनत थी। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा तो कामयाबी की वजह कोई किस्मत नहीं, कोई तकदीर नहीं, कोई मुकद्दर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तारीख के लोगों की मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत। मुशक्कत की जिल्लत जिन्होंने उठाई, मुशक्कत की जिल्लत जिन्होंने उठाई, जहां में मिली आखिर उनको बढ़ाई, बगैर ना इज्जत ना शोहरत ना फरमानरवाई। लेकिन हमारा आज का नौजवान तो किस्मत पर यकीन रखता है, वो कहता है कि कामयाबी किस्मत से मिलती है, और अपने लिए वो मौजे का इंतजार करता है कि मेरे लिए कोई मौजा हो। इसके अलावा जनाबे जी बकार, हमारे नौजवान फिल्मों और ड्रामों और मूवीज में इस कदर नच बस गए हैं कि आप जिंदगी तो बस ख्याली लगती है, हकीकत के तनाजुर से तो बिल्कुल उलट हो जैसे, हकीकत के तनाजुर से तो बिल्कुल ही उलट हो जैसे वो बातें जो आज के जवानों को सुझाई जाती हैं। जनाबे अली बकार, एक दौर था जब नौजवान तालीम के लिए अपनी पढ़ाई के लिए चिरागों की रोशनी में पढ़ते थे, कभी सख्त गर्मी में कभी सख्त सर्दी में। एक वक्त था चिरागों की रोशनी में पढ़ते थे, उसका नतीजा ये था कि अब्दुल मलिक इस्माइल वो चिरागों की रोशनी में पढ़ते थे, दोपहर के वक्त कड़ी मेहनत करते और रात के वक्त चिराग की रोशनी में कभी चांद की रोशनी में पढ़ते थे। फिर एक वक्त आया कि वही अब्दुल मलिक इस्माइल जिसकी जूता उठाने पर भी शहजादे फख्र करते थे। लेकिन हमारे नौजवान तो एक रात में तैयारी करते हैं, हमारे नौजवान एक रात पहले तैयारी करते हैं, किसी से नोट्स मांग रहे होते हैं, किसी से पीडीएफ मांग रहे होते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कड़ी मेहनत की थी, चिराग की रोशनी में कभी सख्त गर्मी में पढ़ा, लेकिन हमारे नौजवान हमारी डिग्री तो पीडीएफ और नोट्स मांगते भी गुजर गए। इसके लिए एक शेर ध्यान करती हूँ, एक छोटा सा शेर है, मैं उसको कॉल करती हूँ, ये सिलेबस कितना है अभी बाकी, मैं उसको कॉल करती हूँ कि सिलेबस कितना है अभी बाकी, वो कहती है बहन मेरी ना पूछ इस मुसीबत का, अभी पीडीएफ मंगाना है फिर रट्टा भी लगाना है। वो कहती है बहन मेरी ना पूछ इस मुसीबत का, अभी पीडीएफ मंगाना है फिर रट्टा भी लगाना है। प्रोफेसर का तो मत पूछो, पता नहीं क्यों इतना सयाना है। असाइनमेंट की मुसीबत का तो किस्सा छोड़ दे अब तू, असाइनमेंट की मुसीबत का तो किस्सा छोड़ दे अब तू, सारी डिग्री गुजारी है लगाना अब भी यही बहाना है। ये है हमारे नौजवानों के हालात, कभी नौजवान थे जिनकी रात मुसल्ले रसूल की पुश्त पर गुजरा करती थी, आज हमारे नौजवानों की रात नाइट क्लब में गुजरती है। कभी नौजवान थे जो रात को उठकर परवरदिगार को याद करते थे, अल्लाह की हर प्यार करते थे,
आज हमारे नौजवानों की रात दोस्तों से बातें करते हुए गुजर जाती है। कभी नौजवान थे जिनकी रातें तबलीगे इस्लाम के लिए वक्फ होती थी, आज नौजवानों की रातें इंटरनेट के लिए गुजर जाती है। कभी नौजवान थे जो सोचते थे हम फिजाओं को देखेंगे, हम हवाओं को देखेंगे और हवाएं अपना रुख बदल लेंगी। वो देखते थे, इशारा करते थे तो पत्थर नेजा नेजा हो जाते थे, जिनके इरादे आसमान की तरफ और जिनकी किस्मतें तारों पर डालते थे। लेकिन आज हमारे नौजवानों की सोच यहाँ पर आकर ख़त्म हो गई है कि बताए फला गुनाह करने के लिए फला गुनाह का इस्तकबाल किस तरह किया जाए। कभी नौजवान थे जिनके दिल इश्के रसूल के लिए धड़का करते थे, आज नौजवानों के दिल फौशाओं की गुबरों पर नाचते हैं। कभी नौजवान थे जिनकी जिंदगियां मिसाल हुआ करती थी, आज नौजवान किस डगर पर चल पड़े हैं। मसला नौजवानों का नहीं, मसला हमारे मुआशरे का है, मसला हमारी इखलाकियात का है। तो इसको कैसे सुलझाया जाए, उसके लिए हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है, हमें इखलाकियात की ज़रूरत है और हमें सिराते मुस्तकीम की ज़रूरत है। आज हम देखें कि जो मैंने जवानों की बदसख्तियाँ बयान की हैं, क्या वो मेरे अंदर मौजूद तो नहीं? अपने किरदार पर डाल कर पर्दा इकबाल, अपने किरदार पर डाल कर पर्दा इकबाल। हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। तुम्हारे नाम